हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ क्लास एंड टुडे आई विल टेल यू अबाउट थर्ड चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। हम थर्ड चैप्टर मैथ में हाफ चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई तो आपने कर ली थी, जैसे मतलब जो मल्टीप्लाई के साथ होता है, जैसे साइन है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन इसके साथ टू है, तो टू को हम ऊपर 1 0 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 0 2 1 2, ठीक है, ये हमारी सिंपल मल्टीप्लाई थी। अब है मल्टीप्लाई कैरी आएगी, जिसमें मल्टीप्लाई में कैरी 1 से लेके 9 तक आ सकती है, ठीक है, आपको ध्यान देना है कैसे होती है कैरी। देखिए, अब जैसे 2 5 10, ठीक है, 10th digit is 1, मतलब जो ये देखिए हमारे 2 digit है, इनमें जो सेकंड डिजिट होता है वो कैरी होती है, ठीक है, मीन्स ये 1s होता है, ये 10s, तो 10s डिजिट पे जो भी डिजिट दिया होगा उसकी कैरी लगती है, ठीक है। अब जैसे 10s पे 1 है तो 1 कैरी आ गई। अब नेक्स्ट है 3 7 जा 21, तो इसमें 10s पे 2 है, ये वाला, ये 1s है, ये 10s, 10s पे 2 है तो 2 हमारी कैरी आएगी, ठीक है, ऐसे ये है। और कैरी विद मल्टीप्लाई में कैसे है, देखिए 2 5 जा 10, 10 था ऐसे, तो 10 में 10 प्लेस पे 1 था ये वाला, तो ये 1 हमने नेक्स्ट अगले वाले के ऊपर कैरी दे दी। और 2 1 जा 2, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, कैरी जो है उसको जोड़ देंगे, वो बन जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए ऐसे 2 7 जा 14 होता है, तो 4 हमने यहाँ राइट कर दिया और 1 इसकी कैरी दे दी, तो 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7, ऐसे आपको ये सम करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाले सम है, ये आपको कैसे करने हैं। ए बंच हैज 8 फ्लावर्स, एक बंच है जो इसमें 8 फ्लावर्स हैं, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन 3 बंचेस, तो ऐसे ही 3 जो बंच होंगे उसमें कितने फ्लावर्स होंगे, तो हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, एक ट्रे हैज 30 eggs, हाउ मैनी eggs आर देयर इन 3 such tray, एक ट्रे में 30 egg है तो 3 trays में बताओ, तो हम 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे आपके ये स्टेटमेंट वाले सम करने हैं आपने, ठीक है, इनकी सिर्फ आपको सिंपल ही करने हैं। स्टेटमेंट वाले जो पूरी स्टेटमेंट लिख के करते हैं वो हम नेक्स्ट सेकंड क्लास में करेंगे, अभी आपको सिर्फ ऐसे सम करना है इसका, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है, फिर मैं इसका आपको नोटबुक पर सेंड कर दूंगी, आपने वो करना है। थैंक यू।